भाषा के साथी नदीम ने बोला कि आने वाले दिनों में जब तक नजीब की सही सलामत वापसी नहीं हो जाती और जब तक एबीवीपी के इन गुंडे लोगों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक इस जोश को बरकरार रखना है और तब तक इन संघियों को गिराना है। आज के नारे यहाँ पे हम लोगों ने लगाए हैं कि साथी नजीब को ढूंढ खिलाओ और एबीवीपी के सजा दो। ये नारे जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने चाहिए। और जो लोग ये आज चुनाव में कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश की बहुत खराब है, उनसे ये नारे चीख चीख कर पूछेंगे तुम्हारी दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है जहाँ से नजीब गायब है, जहाँ से नजीब को तुम्हारे पाले गए गुंडे पीटते हैं उसके बाद गायब करा देते हैं। तुम्हारा टुकड़ों पर पलने वाला वाइस चांसलर जो एक FIR तक नहीं करा पाता है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और मंत्री राजनाथ सिंह आज देखा डालीगंज में आने वाले हैं, वही राजनाथ सिंह जब JNU के कुछ छात्रों ने वहां पे उनका विरोध किया था तो पता नहीं कहां कहां से लिंक ढूंढ के क्या क्या बयान दे रहे थे, आज नजीब के बारे में उनके मुंह से एक चू तक क्यों नहीं निकल रहा है आज पूछना चाहिए। आज डालीगंज में जाके यहीं से स्टूडेंट जाके पूछे राजनाथ सिंह बताओ तुम्हारी दिल्ली पुलिस कहां है, क्यों एबीपी के लोगों को बचा रही है, क्यों नहीं नजीब को ढूंढ रही है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा से लेके तमाम पार्टियों को जवाब देना होगा कि उन्होंने नजीब के लिए क्या किया। हम लोग जैसा कि साथी नदीम ने बताया सभी पार्टियों के लोगों से मिले, लेकिन इसमें भाजपा को अलग पहलू पर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एबीवीपी के गुंडे लोग भाजपा समर्थित गुंडे हैं जो न केवल पूरे ये उत्तर प्रदेश में, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लोगों को मारते हैं। उन्होंने लोगों को गायब करवाया है, मारा पीटा है और यहाँ तक कि लोगों को मार के उनका कत्ल भी कर दिया है, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं होता क्योंकि वो समझते हैं कि उनका दरोगा बैठा है। अभी कल ही की बात है उन्होंने एक और लड़के को वहाँ पे JNU में मारा, उनको लगता है कि उनका दरोगा बैठा है हम कुछ भी कर ले जाएंगे। लेकिन जो बदायूं में मार्च निकला है, जो हैदराबाद में मार्च निकला है, जो दिल्ली में नजीब के लिए संघर्ष चल रहा है, जो केरल में नजीब के लिए संघर्ष चल रहा है और आज हाथ से हाथ मिला के गले से गला मिला के जो हमने बोला है साथी नजीब को ढूंढ के लाओ और RSS को सजा दो, वो इसीलिए बोला है कि RSS वालों और ABP वालों खबरदार हो जाओ क्योंकि ये देश तुम्हारा नहीं है, देश उतना हम लोगों का ही है, देश में हिस्सेदारी हम लोगों की भी है और हम लोग इस चीज का बोले कि चुनाव आ गया है क्या इसीलिए आप लोग आ गए, तो हम लोग बोलना चाहते हैं चुनाव उनाव का बात नहीं है। आज 4 महीना होने को आया है नजीब को गाये हुए, लगभग 4 महीना को होने को आया है, ऐसा कोई जगह बचा ही नहीं देश में जहां पे नजीब को लेकर प्रदर्शन ना हुआ, ऐसा कोई जगह बचा ही नहीं देश में, ऐसी कोई संस्था बची ही नहीं देश में जहाँ पे हम लोगों ने पूछा ना हो कि नजीब कहाँ है आप बताइए। दिल्ली पुलिस से पूछा, राजनाथ सिंह से पूछा, वाइस चांसलर से पूछा, नरेंद्र मोदी से पूछा और उनका जो न्यायपालिका है वहाँ भी हमारी रिट पिटीशन पड़ी हुई है। लेकिन एक हंसी की बात देखिए, आज अमित शाह पेट फुला के यहाँ पे बोलता है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे बोलता है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे तुम्हारी पुलिस 4 महीने से क्या कर रही है। कोर्ट को बताना पड़ता है कि जाके जंगल ढूंढो, तब पुलिस आती है जंगल ढूंढने के लिए। कोर्ट को बताना पड़ता है कि जाके एबीपी के लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, तब पुलिस का होश खुलता है कि इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है। लेकिन एबीपी के लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उससे उनका भेद खुल जाएगा कि असल में हुआ क्या है, मसला क्या है, जिसको वो लोग 20-20 लाख रुपए के लायर खड़ा करके छुपाना चाहते हैं, जिसको वो लोग मनी और मसल के दम पे, पैसा और ताकत के दम पे छुपाना चाहते हैं। नजीब को गायब करा लिए, अब बड़ा लायर खड़ा कर दो और केस जीत जाओ और पता ही नहीं चलेगा नजीब को क्या हुआ। लेकिन इस देश की आवाम क्या चुप बैठेगी? नहीं, देश के लोग
इंसाफ पसंद लोग, जो तमाम लोग जो भाईचारे के संदेश लेकर, जो गुलाब लेकर हाथ में इन लोगों को, पुलिस वालों को देकर ये बताए हैं कि हम लोग नफरत गर्द लोग नहीं हैं, जो दादरी करते हैं, जो बाबरी करते हैं, देश को नहीं झोंकते हैं, बल्कि हम लोग फूल देखते हैं। हम देते हैं तुमको शांति का संदेश। हम चाहते हैं ना तो कोई नजीब हो, ना कोई रोहित वेमुला हो, और हम तुम्हारे नफरत करते हैं। इसलिए जब आज तमाम लोग, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ से वापस जाके, जैसा कि साथी नदीम पहले बोले भी, एक ही चीज को जिम्मेदारी से निभाना है कि इस चुनाव में और चुनाव के बाद जो भी लोग, आपके हुक्मरान लोग, जो हुक्म देके आजकल लोगों को गायब कराने का काम कर रहे हैं, उनका बोलती बंद करना है। उनका बोलती बंद करते हुए उनकी बोलती में एक ही सवाल को भर देना है कि नजीब कहाँ है, तुम लोगों ने उस नजीब को कहाँ छुपा के रखा है। यही अपील है, देखिए चुनावी वादे तो बहुत आप कर लेते हैं, लेकिन हम तमाम लोग अपने कैंपसों में पढ़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब कैंपसों में जाएं तो शांति से अपनी पढ़ाई करें। जब एबीपी के गुंडे किसी तरह की हरकत करते हैं तो आपकी पुलिस सक्रिय होकर उनको पकड़े। अगर आपके सूबे का मामला है तो आप सक्रिय हो, अगर दिल्ली का मामला हो तब भी आप सक्रिय होकर दिल्ली सरकार को बोलें या राजनाथ सिंह को बोलें कि हमारे यहाँ का एक लड़का गायब है, एक यूपी का लड़का गायब है, और उसको सक्रियता से ढूंढने में मदद करें। आपके सांसद जिनकी आवाज़ खुल नहीं रही है संसद में बैठ के, वो बोले कि नजीब कहाँ है, नजीब हमारे यहाँ यूपी का लड़का है, हम जब तक नजीब नहीं आ जाता हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, संसद को चलने में। आज इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, और एक बार इस चीज को बोलना चाहता हूँ साथियों कि जब हम लोग जाएंगे तो एक और संकल्प हमारे साथ यहाँ से जाना चाहिए। इस आरएसएस और एबीवीपी के नफरत गर्दी को इस देश से खत्म करना है। इसके लिए जितनी लंबी लड़ाई की जरूरत होगी और जितना ज्यादा मजबूती।